Subscribe to Stellar Subjects for your excellent learning. Hit the bell icon so you never miss an update. Assalamu alaikum everyone, my name is Faisal bin Zakar and here I am going to discuss Dawn editorial vocabulary of 10th of July 2020. अगर किसी ने ये आज का एडिटोरियल नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़े क्योंकि ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। देखें जैसे आज तीनों मेजर जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर और एसे राइटिंग और पाकिस्तान अफेयर, तो इन तीनों के हवाले से एडिटोरियल आए हैं तो आपको आज का एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए। आप आज की वोकैब करें, यहाँ से वोकैबुलरी समझने के बाद अब एडिटोरियल को समझें ताकि आप अच्छी तरह एक्वायर कर सकें और अपने पेपर में उसको यूज कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज बोलते हैं गजबनाक हुए हुए को, जोबन पर होने। ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम देखिएगा, फ्लैप, फ्रेंजी, क्योस, हैवक। और एंटोनिम्स हैं रिपोज, रेस्टफुलनेस, सीरीननेस। और सेंटेंस में इस्तेमाल जो एडिटोरियल में सेंटेंस है वो है पोटेंशियली फैटल कोरोना वायरस इज स्टिल ऑन द रैम्पेज। तो जो लोग नए हैं वो उनको मैं बता दूं कि देखिए हमने पहले वर्ड को देखा, फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखा कि वो नाउन है, फिर उसकी वोकैबुलरी देखी उसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च ने प्रूव किया है कि हम पिक्चर्स में सोचते और चीजें याद रखते हैं, और ऐसे जब किसी चीज को पिक्चर के साथ रिलेट कर लेते हैं तो वो याद रहती है। फिर हमने उसके सिनोनिम्स देख लिए, उसके एंटोनिम पढ़ लिए, और इस तरह आपके पास एक अच्छा खासा वोकैबुलरी का बैंक बन गया। और फिर हमने उसका सेंटेंस देखा जो कि आपने इजीली समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कर्टलिंग, कर्टेलिंग। कर्टेलिंग वर्ब है और इसका मीनिंग देखते हैं, कम करना। जैसे पिक्चर में भी वो काट रहा है, क्रॉप कर रहा है, कम कर रहा है। सिनोनिम्स देखिएगा बेटे, एब्रीविएशन है, शॉर्टनिंग है, कटिंग है, कटिंग बैक है। एंटोनिम्स आर एनलार्जिंग, एक्सपेंडिंग, सप्लीमेंटिंग। और सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा, बट एज सम कंट्रीज सेलिब्रेट देयर सक्सेस इन कर्टेलिंग ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सोर्ड। सोर्ड भी एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बढ़ गई, यानी बढ़ जाना। और सिनोनिम्स हैं अरोज, क्लाइंब, लिफ्टेड, माउंटेड। एंटोनिम्स आर डिक्लाइंड, डिसेंडेड। जो सेंटेंस एडिटोरियल में आया है वो है अ पीक फेज ड्यूरिंग विच कोविड-19 केसेस सोर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है जिससे बचना मुश्किल हो। ठीक है, ये बड़ी पिक्चर है, उसका हमने जो तस्वीर लगाई है ये फिल्म है, उसमें ये थानोस जो है वो कहता है अवेंजर्स में कि आई एम इनएविटेबल, मुझसे बचना मुश्किल है। अब सिनोनिम देख लें, सर्टेन, श्योर, अनअवॉइडेबल, अनएस्केपेबल। एंटोनिम्स देखिएगा, प्रिवेंटेबल, डाउटफुल, डूबियस। और सेंटेंस में इस्तेमाल है, इट इज इनएविटेबल दैट कोरोना कोविड-19 विल स्प्रेड एज रिस्ट्रिक्शंस एंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेमिंग। टेमिंग एक वर्ब है, ये कहते हैं सुधाना या पालतू बनाना। सिनोनिम्स कंट्रोलिंग, गवर्निंग, होल्डिंग, इनहिबिटिंग। एंटोनिम्स हैं इसके लिबरेटिंग, लूजिंग, अनलीशिंग। और सेंटेंस में इस्तेमाल देखें इसका, इवन ऑस्ट्रेलिया विच हैड सेलिब्रेटेड टेमिंग द वायरस। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड देखें गैलेंट है। ये अब दूसरी हेडिंग हमारे पास शुरू हो गई है। दूसरी हेडिंग कारगिल मार्टर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग, और ये पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। पढ़ते हैं इसको, गैलेंट एडजेक्टिव है, बहादुर को कहते हैं। तो पिक्चर देखिए, आपको याद हो ना हो ये इंडिया को नहीं भूलता जिसने के उसका वो जहाज गिराया था। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देखिएगा, बोल्ड, ब्रेव, कर्जियस, डॉन्टलेस। डिफिडेंट एंटोनिम है इसका, प्रूडेंट भी इसका एंटोनिम है, स्केरी, टिमिड। और सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए, नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स गैलेंट सन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखें, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वैलर। वैलर नाउन है, इसका मतलब है दलेरी, बहादुरी। सिनोनिम्स आर ब्रेवरी, करेज, डेरिंग। एंटोनिम्स टिमिडिटी, फीबलनेस, वीकनेस। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा, नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स गैलेंट सन्स
for valor and unwavering elegance to defend the country. Our next word is inhospitable. Inhospitable का मतलब होता है दसाजगार हालात, ये एक एडजेटिव है। तो देखें जैसे तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि एक फौजी कितनी नासाजगार हालत में, इतनी सर्दी में, बगैर किसी सपोर्ट के और इतनी मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल मौसम में जहां ऑक्सीजन भी कम होती है वहां पर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। सिनोनिम देखिएगा, हॉस्टाइल, एडवर्सरियल, एडवर्सरी, एंटागोनिस्टिक। एफेबल इसका एंटोनिम है, एमिएबल है, एमिकेबल है, फ्रेंडली के मीनिंग में। सेंटेंस में जो एडिटोरियल में आया है वो है दोज आईसी इनहॉस्पिटेबल पीक्स इन इंडिया हेल्ड कश्मीर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्टिलरी। आर्टिलरी एक नाउन है, ये एक तोपखाने को कहते हैं, मिलिट्री टर्म है ये। सिनोनिम देखिएगा, आर्मामेंट है, आर्म्स है, गन्स है। एंटोनिम इसके नहीं है क्योंकि ये एंटोनिम एक इसके नहीं है क्योंकि ये एक आर्मी की टर्म है। तो सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखिएगा, विद आर्टिलरी फायर फ्रॉम द अदर साइड रेनिंग डाउन ऑन देम। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीमिनल। सीमिनल का मतलब होता है बाद में होने वाले ऐसे वाक्यात जिन बाद में होने वाले वाक्यात पर असरअंदाज होने वाली चीज या वाक्य। जैसा कि आपके पास पिक्चर डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो माहिदा हुआ था उसकी तस्वीर है, जिसके बाद के पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए और उसके नतीजे में बांग्लादेश अलग हो गया। तो बाद में इतना बड़ा वाक्य हुआ इस एक वाक्य की वजह से कि हमारा एक पूरा साइड, एक पूरा रीजन ही हमसे अलग हो गया। सिनोनिम देखिएगा, अथॉरिटेटिव, इन्फ्लुएंशियल, ऑल इम्पोर्टेंट, सेंट्रल, क्रिटिकल। एंटोनिम्स हैं इनकंसिक्वेंशियल, इनकंसिडरेबल, इनसिग्निफिकेंट, लिटल, माइनर। सेंटेंस जो एडिटोरियल में आया वो है, मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो नाउ नो अबाउट दैट सीमिनल इवेंट। वर्ड नेक्स्ट वर्ड देखें, कॉटरी। कॉटरी नाउन है, इसका मतलब हल्का, दोस्तों का सर्कल, इस हवाले से इस्तेमाल होता है। बॉडी, बंच, सर्कल, क्लेन, पार्टी भी आप कह सकते हैं। एंटोनिम्स है इंडिविजुअलिस्ट, यानी जो किसी से नहीं मिलता, अलोन, ठीक है, सोलिस्टर। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा, कॉटरी ऑफ फोर टॉप जनरल्स इंक्लूडिंग देन आर्मी चीफ मुशर्रफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनसूबाबंदी करना। जैसे पिक्चर में देखें वो सबको अपने मनसूबे के मुताबिक चला रहा है, इसी तरह किसी चीज को अपने दिमाग, अपने प्लान के मुताबिक चलाने को कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड। इसका सिनोनिम है अरेंज्ड, मैनेज्ड, ऑर्डर्ड, प्लान्ड। एंटोनिम्स है एक्सीडेंशियल, कैजुअल, बाय चांस। सेंटेंस में इस्तेमाल जो एडिटोरियल में हुआ है वो है आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ऑर्केस्ट्रेटेड अ सीक्रेट ऑपरेशन, जो कि उन्होंने कू के लिए किया था और बाद में आर्मी कंट्रोल कर दिया और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेंश्योर है। सेंश्योर नाउन है, इसका मतलब होता है मुजम्मत करना, तनकीद करना किसी पर। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए, रिब्यूक है, रेप्रीमेंड है, कंडेमनेशन है। एंटोनिम्स में इस्तेमाल इसका देखिएगा, एक्लेमेशन है, ऑनर है, ट्रिब्यूट है। सेंटेंस जो ऑडिटोरियल में आया वो है, सिविलियन गवर्नमेंट विच वुड हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ द इंश्योरिंग सेंश्योर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जिन लोगों ने अब पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो ब्रंट हम पिछले वर्कैब में कर चुके हुए हैं। ब्रंट का मतलब प्रेशर, फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। रेटिसेंस एक नाउन है, इसका मतलब था खामोशी, कम गोई। और इसके सिनोनिम देखिए, रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, साइलेंस, रिलक्टेंस। एंटोनिम्स आर इंक्लाइनेशन, विलिंगनेस। इंक्लाइनेशन का मतलब किसकी तरफ माइल होना, ठीक है ना। रेटिसेंस का मतलब था किससे पीछा छुड़वाना, और इंक्लाइनेशन का मतलब होगा किसकी तरफ माइल होना। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए, वन वंडर इफ द रेटिसेंस कंटिन्यू विद इन द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंफ्रिंगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एडिटोरियल है वो है इंफ्रिंगमेंट ऑफ प्राइवेसी।
ठीक है, ये तीसरा एडिटोरियल है। उसका पहला वर्ड हेडिंग में से ही है, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं खिलाफ वर्जी करना किसी की पर्सनल, उसकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करना, ये हो गया हमारे जो एडिटोरियल का टॉपिक है उसका माने। ठीक है, सिनोनिम देखें ब्रीच, वायलेशन, और एंटोनिम है रिस्पेक्टिंग, अपहोल्डिंग, ऑनर करना, और ये है हेडिंग का वर्ड, तो है सेंटेंस नहीं। वर्ड नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक जानिब झुका हुआ, ठीक है ना, जानिबदार जिसको हम बोलते हैं। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा क्रूप्ड है, स्लैंटेड है, टिल्टेड है। एंटोनिम है रेगुलर, यूनिफॉर्म, बैलेंस्ड। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा पाकिस्तान करंट इंटरनेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज स्क्यूड टुवर्ड्स स्वीपिंग अनकंस्ट्रेंड साइबर सर्वेलेंस ऑफ एनी एंड ऑल सिटीजंस। तो यहाँ हमारी आज की वोकैब कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।